बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो प्यारे बच्चों, हम टेंस एंड वंस सीख रहे हैं। हमने इकाइयां सीखी थी 1 से 9 तक, एक हिंसे वाले नंबर। अब हम 2 डिजिट्स वाले नंबर सीख रहे हैं और आज हम 52-59 तक सीखेंगे। 50 में 5, 10-10 के 5 यूनिट होते हैं या 50 वंस होते हैं। तो ये देखें, 1, 2, 3, 4, 5 टेंस हैं इसमें, और 5 टेंस को हम 50 कहते हैं इंग्लिश में और 50 कहते हैं उर्दू में। तो इसमें 5 टेंस 0 वंस, तो 50 इज़ इक्वल टू 50 प्लस 0, और 50 को उर्दू में 50 कहते हैं, और 51 में 5 टेंस प्लस 1 है, और इसको हम 51 या उर्दू में 51 कहते हैं, 51। और 5 टेंस प्लस 2 वंस को 52 कहते हैं, 52, और उर्दू में इसको 52 कहते हैं। तो आप 50 याद कर लें, उसके बाद आप 1, 2, 3 ही लिखेंगे, और 5 टेंस और 3 वंस को 53 कहते हैं, 53 को 53 कहते हैं उर्दू में, और 5 टेंस प्लस 4 जो है वो क्या बन गया, शाबाश, 54। 54 को हम 54 इज़ इक्वल टू 40 प्लस 4, और इसको उर्दू में 54 कहते हैं। और फिर है 5 टेंस प्लस 5 वंस को 55 कहते हैं, और 55 को उर्दू में 55 कहते हैं, 55। और इस तरह हम 5 टेंस प्लस 6 वंस को लिखेंगे 56, और 56 जो है 56 को उर्दू में 56 कहते हैं, और 5 टेंस प्लस 7 वंस जो हैं वो बन जाएंगे शाबाश 57, और 57 को उर्दू में 57 लिखेंगे। तो हम 5 टेंस प्लस 8 वंस जो हैं वो बन जाएंगे 58, और 58 को उर्दू में 58 कहते हैं। और फिर है आपका 5 टेंस प्लस 9 जो हैं, 9 वंस, वो बन के 59, और 59 को उर्दू में 59 कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या हम पैसे भी ज़्यादा बनाना चाहते हैं, अमीर भी ज़्यादा होना चाहते हैं? तो उसके लिए हमें जो कुछ भी नेमतें अल्लाह ने दी हैं, अगर माल दिया है तो उसे अल्लाह की राह में सर्फ करें। अल्लाह उसकी मिसाल ऐसे देता है जैसे एक दाना बोया जाए और उसमें से 7 बालें निकलें और हर बाल में 100 दाने हों। ये अल्लाह का वादा है, सूरह बकरा की आयत नंबर 261 में है। तो हम जो अल्लाह ने सलाहियतें दी हैं वो अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, अल्लाह उन्हें और ज़्यादा करेगा। अल्लाह एक अच्छाई का बदला 1 से 700 गुना तक दे सकता है। तो हर अच्छा अमल सदका है, ये सही मुस्लिम की हदीस है, चाहे वो छोटा सा मामूली सा ही क्यों ना हो। और सबसे कुरान में अल्लाह ताला कहता है, अपने वालदैन का हक पहचानने की ताकीद की है, माँ बाप को कहना मानना, उन्हें प्यार भरी नज़र से देखना। इसी तरह पौधे लगाना भी जो है, शजरकारी करना भी सदका है। कचरा डस्टबिन में फेंकना भी अच्छी बात है, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। अपने भाई को मुस्कुरा कर देखना, सलाम में पहल करना भी नेकी है। इसी तरह अगर कोई बुज़ुर्ग हो तो उसके लिए दरवाज़ा खोलना, उसकी चीज़ें उठाने में उसकी मदद करना, ये भी मेहरबानी है। और रिश्ते, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना, दिल ना चाहते हुए भी अल्लाह के लिए दूसरे को माफ़ कर देना, किसी के गुनाह का पर्दा रखना, ये सारी नेकियां हैं। और जो ये नेकियां करेगा उसे क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब होगा। तो ये वीडियो पाकिस्तान होम स्कूल की तरफ से पेश की गई है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर